हेलो हाय, मैं हूं मुनव्वर फारूकी और आप मुझे देख रहे हो सिद्धार्थ भाई करण के यूट्यूब चैनल पे। और इनको सब्सक्राइब कर लो फटाफट, बहुत जबरदस्त इंटरव्यू लेते हैं, आपके सवालों के जवाब आपके लिए। एक इंसान जिसने अपने गाने के जरिए अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान सुनाई है, मैंने वीडियो देखा, इतना कनेक्शन फील हुआ। मुनव्वर फारूकी मेरे भाई, 3 महीने बाद मिल रहे हैं, कैसा है? ऑल गुड भाई, ऐसे लग रहा है अभी कल ही मिले थे, है ना? अभी मुझे भी वैसे लग रहा है। मैंने गाना देखा, क्या तुमने अपनी जिंदगी के हर पहलू को डाल दिया उस गाने में? हर पहलू को नहीं डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं फील होता है कि हर बात कह दी, हर बात कहने की कोशिश की। जब ख्वाब लिखने बैठा था, वो मैंने, मुझे याद है कि कुछ 4:30-5 बजे थे सुबह के, और मैं वो लिखना शुरू किया और वो सुबह 10:30-10 बजे तक ख़त्म हो गया था लिख के। तो वो पूरी रात में ही वो गाना जब लिखा, तो वो ऐसा था कि लिखते वक्त भी मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ और मैं खुद ऐसे हो रहा हूँ कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि ये कहना ज़रूरी है। मैं ऑलवेज हमेशा जब बोलते थे तो बोलता था कि कहानी सुनाने लायक है, मैं सुनाने लायक नहीं हूँ। तो हमेशा ये सोचता था कि जब छत पे चढ़ूँगा तब कहानी सुनाऊँगा ताकि मोहल्ला सुने, अभी बस एक सीढ़ी पे चढ़ाऊँ तो मेरे बस फ्लोर वाले सुनेंगे, तो जब छत पे चढ़ूँगा तब कहानी सुनाऊँगा ताकि पूरा मोहल्ला सुने। तो अभी भी मुझे लग रहा है छत पे नहीं चढ़ाऊँ, इसलिए पूरी कहानी तो नहीं है, बट हाँ लाइफ में बहुत कुछ देखा है। द सॉन्ग एक ख्वाब के बारे में ही था कि मुझे ये लगता है कि चाहे आपका कोई भी ख्वाब हो सकता हो, जो कुछ भी पूरा हो जाए, आप बहुत ग्रेटफुल होते हो कहीं ना कहीं, बट जो चीज़ों का रिग्रेट है वो नहीं जाता है। तो यहाँ पे ये ख्वाब गाना उसी बारे में है कि अचीवमेंट रिग्रेट, जितनी अचीवमेंट उतने ज़्यादा रिग्रेट्स, क्योंकि आप जितना पाते हो उतना खोते हो। तुम्हारे रिग्रेट्स क्या हैं जेन्युइनली? मेरे रिग्रेट्स बहुत सारे भाई, बहुत सारे। मैंने इतने इंटरव्यूज किए अपने लाइफ में, हाँ। जब मैं कभी बार कुछ एक्टरों को विदाउट बीइंग जजमेंटल पूछता हूँ, दे से नो रिग्रेट्स। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे लाइफ में भी बहुत रिग्रेट्स हैं। टेल मी दोस 2-3 रिग्रेट्स जो तुम कहते हो, यार आज तक जब मैं कॉफी पी रहा होता हूँ या घर में लेटा हुआ, यू नो, बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो रिग्रेट्स आते हैं, वो कौन से? एक सबसे ज़्यादा रिग्रेट ये होता है कि माँ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया बचपन में। ऐसा लगता था, मुझे लगा अभी भी होता है कि मुझे खेलना नहीं चाहिए था बाहर, मुझे घर पे उनके साथ बैठना चाहिए था। तो वो रिग्रेट्स होते हैं। और आई हैव चीटेड इन रिलेशनशिप, तो मुझे वो रिग्रेट बहुत होता है कि मैंने चीट किया है रिलेशनशिप में, एंड आई फक्ड अराउंड, सो या दैट्स द बिगेस्ट रिग्रेट राइट नाउ आई फील। और जब रिलेशनशिप में चीट किया है, कभी कभार वो महिलाओं से मिले हो और उन्होंने बोला है, या फिर ये सडनली आया है तुम्हारे पास? नहीं नहीं, वो आया नहीं है, मतलब वो फील हुआ है, लाइक करने के बाद वो चीज़ फील हुई कि यार गलत कर दिया यार, कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आएगी, मुंह पे आके खड़ी रहेगी कि यार जो करते हो वो आता है घूम के। तो वैसा जब आता है तब फील होता है कि ओके। ये बहुत बड़ी बात है कि एटलीस्ट यू रियलाइजिंग योर मिस्टेक, पर उस वक्त जब हो रहा था तो ऑब्वियसली नहीं पता चलता है। यही है, ये नफ्स है, नफ्स यही करवाती है आपसे, जो ख्वाहिशात है वही आपसे, गलती यही है कि आप बह जाते हो और आप गलती कर बैठते हो। तो आई थिंक ये सब चीज़ों का रिग्रेट है कि थोड़ा समझना चाहिए था, इतनी सारी चीज़ें समझ है बट इसमें कैसे गलती हो गई, बट कोई ना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो कभी लगता है कि उस चीज़ ने मुझे काफ़ी चेंज किया है, कि वो रियलाइजेशन ने काफ़ी चेंज किया है, तो आई फील कि या आई फील आई विल रिपेयर दैट, कि ठीक है माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया तो आई मेक श्योर कि मैं उनके लिए दुआ करूँ, आई मेक श्योर कि उन्हें वो खुश रहे मुझसे अगर वो देख भी रहे तो। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, हम लोग में मेरे फेथ के हिसाब से आई नो वो नहीं देख रहे, बट ये है कि अगर आपके माँ बाप नहीं है तो आप उनके लिए दुआ कर सकते हो, तो मैं उनके लिए वो करता हूँ। कभी लगता है कि जो रिलेशनशिप्स में तुम फेथफुल नहीं थे, कभी कभार लगता है कि उनको फ़ोन करके सॉरी बोले? बिल्कुल लगता है कि फ़ोन करके सॉरी बोले, या ज़रूरी नहीं है सॉरी बोलना क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट ठीक है अभी जो है वो बस।
तुमने इतना सक्सेस देखा है, ठीक है भाई, स्पेशली लॉकअप के बाद, आई डिस्कवर्ड यू आफ्टर लॉकअप, ओके, उससे पहले इतना नहीं डिस्कवर किया था, बट आई एम ग्लैड आई डिस्कवर्ड यू. क्या वाकई में दिल से तुम खुश हो? नहीं, वो तो मैं लॉकअप से पहले भी नहीं था खुश नहीं थे. नहीं, मैं खुश ही हूँ. मतलब ये एक बहुत एक ऐसी लाइन है ना जो कहना बहुत ही वो डिफाइन करना पड़ जाता है कि लाइक अगर बोलो नहीं मैं लाइफ से खुश नहीं हूँ तो इट्स लाइक बहुत अनग्रेटफुल साउंड करता है. ओके, कि लाइक आप ख्वाब गाने का स्टार्ट ही है कि तेरे पास वो सब कुछ है जिसका लोग सपना देखते हैं. वो ख्वाब सपना वो उसी पे है कि तेरे पास वो सब कुछ है बट फिर भी तो खुश क्यों नहीं. तो आई वॉन्ट टू टेल के खुशी यही नहीं है, लाइक ये नहीं है खुशी. क्योंकि आपको रियलाइज़ होता है जब मैंने गाने में कहा है कि आज बड़े घर में खाता हूँ अकेले बैठ, तो आई फील इंसान कंप्लीट खुश रह नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से. बट डिपेंड करता है कि आपको ओवर पावर क्या कर रहा है. आपकी परेशानियाँ ओवर पावर कर दे रही है आपकी खुशियों को, या आपकी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हैं और वो बुरी चीज़ें उसको ओवर पावर कर पा रही है क्या. तो वो हमेशा ओवर पावर नहीं होने देता इंसान, क्या चलो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें तो है ये वो है. बट एक टाइम के बाद इंसान सोचने लगता है कि यार इतनी मेहनत करने के बाद, जैसे आपने बोला बहुत सारे रिग्रेट, ठीक, आपने रिग्रेट पूछा, मैंने बोला बहुत सारे रिग्रेट है, तो बहुत सारे रिग्रेट्स में आती है बहुत सारी चीज़ें कि लाइक यार वो जोक नहीं करना चाहिए था, यार कोई था क्यों नहीं उस वक्त मेरे पास बताने वाला कि ये जोक ऐसे लोग समझ सकते हैं. उस वक्त मैं भी एक न्यू कमेडियन हूँ जो नया जोक लिख रहा है, उसको पता नहीं है कि ये जोक बाहर कैसे जाएगा, तो वो भी रिग्रेट कि यार ये जोक अगर नहीं किया होता तो मेरे पूरे करियर में मैं क्या होता, आज मैं फील फ्री शो कर पाता आज मैं. बट वो एक जोक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लोगों ने ले लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नहीं समझती उस चीज़ की कि वो वैसे जाएगा, तो वो रिग्रेट सोचते रहते. तो यहाँ पे ओवर पावर ये हो जा रहा है कि चाहे आपके पास जितनी भी खुशी है ना, रिग्रेट जो है ना वो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है. ये जोक्स की बात कर रहे हो, जब तुम पर्टिकुलर जोक क्रैक करते हो जो तुम्हें बाद में आके हॉन्ट करता है, राइट, रात को उड़ जाते हो सब? नहीं, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि सोते ही सुबह है तो सुबह उड़ जाते हो सडनली? मेरी नींद, मुझे रियलाइज हुआ है कि बहुत ही अजीब नींद हो चुकी है बहुत टाइम से, लाइक पिछले 15-16 महीने से. पहले नींद नहीं होती थी काम की वजह से, लाइक जा रहे घर पे 1-2, 2:30 बजे पहुँच रहे और सुबह बॉस चिल्ला देगा तो 9 बजे टच हो जाना है, तो वो काम की फटी में नींद नहीं होती थी. और अभी मतलब एकदम सुकून है कि भाई अब किसी, अपन अब खुद के बॉस है, खुद के ही सेट है, अपन किसी को रिपोर्ट नहीं करना जाके. बट अब कुछ और चीज़ों की वजह से नींद नहीं आ रही. वो जो है वो क्या है? वो बहुत सारी वही रिग्रेट्स, रिग्रेट सोचना क्या होगा, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, बस ये सब सोच में पूरी रात ऐसी निकल जाती है. और जब बॉडी थक जाती है ना कि लाइक अब बॉडी ने जवाब दे दिया. मैं ऑलवेज बोलता हूँ दोस्तों को, कोई बोलता है ना मेरे को नहीं, कोई नाराज़ होता है या कोई भी है वो, तो बोलता है नहीं नहीं खाने का है मेरे को, तो मैं उसको उसके हाल पर छोड़ देता हूँ. तो मतलब नींद और भूख ना किसी के बाप की नहीं होती. आर यू स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन? नॉट एनी मोर, बिकॉज दोस्ती हो चुकी है उससे. कि लाइक सम टाइम आई फील लाइक, बहुत टाइम आई फील कि लाइक व्हेन थिंग्स आर राइट ना, आई वांट टू मेक इट बैड. आई डोंट वांट थिंग्स टू बी राइट. आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि लाइक कभी कभी ऐसा होता है ना कि खुद का ही नुकसान करने वाला इंसान बन जाता है. लाइक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ गम के साथ या इसके साथ, बट मुझे पता नहीं वो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि लाइक मैं खुद को सजा दे दूँ या मैं खुद से इतना नाराज़ हूँ कि मैं खुद से ही सब कुछ कर लूँ. मैंने एक ख्वाब में बोला है कि मशहूर नाम मेरा खुद से ही अनजान में, कसूरवार ऐसा खुद की ले लूँ जान में. तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं तो इतना कसूरवार हूँ कि लाइक फकिंग एंड दिस. बट वही सोच के कि यार मर के ऐसा हराम मर के जहन्नम में नहीं जाना है, तो वो सब सोच के और फिर ये सोच के कि नहीं चलो देख लेते हैं. मेरे अंदर भी एक खामी थी कि मैं कभी अकेला नहीं रह सकता था, मुझे हमेशा लोगों की जरूरत रहती थी. अब तो ऑब्वियसली मैरिड हुआ, क्यूट बच्चे हैं सब, पर एक जमाने में जब मैं अकेला रहता आई कुड नेवर स्टे एट होम अलोन, तो मुझे चाहिए था कि दोस्त आए ये आए. हालांकि जब वो इर्द गिर्द भी रहते थे ना,
मेरा दिमाग कहीं और होता था, बट आई जस्ट वॉन्टेड पीपल अराउंड. आई एम स्टिल डेट कांट हैंडल बींग अलोन. सेम, मुझे भी अच्छा लगता है आप जैसे बोला ना कि घर में आते, तो मैं भी दावतें देता हूँ. कोई भी आता है ना कि भाई चलो बाहर पार्टी करते हैं, बोला घर आ जाना, मैं तेरे को एक जगह खाना खिलाता हूँ, बहन से घर से बनवा लेता हूँ कि बहन बना के भेज दे, मेरे दोस्त लोग आ रहे खाना. तो ये मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन फिर वो ऐसे होता है कि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि लाइक अकेले रहोगे ना भाई, तो किसी के जाने का गम नहीं, किसी के जाने का दुख नहीं, किसी के जाने का तुम्हारे को स्ट्रेस ही नहीं रहेगा. क्योंकि मैं इंसान वैसा हूँ, सभी इंसान ऐसे होते हैं जो अटैच हो जाते हैं चीज़ों से. मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत बिल्ला वाला अटैच हो जाता हूँ. बोलते हैं ना कि लाइक मैं उसके अंदर इतना अटैच हो जाता हूँ कि कोई भी चीज़ों के साथ, कि मैं उससे जब दूर जाता हूँ ना तो मैं समझो ख़त्म हो जाता हूँ. तो ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी चीज़, मुझे जो डर लगता है ना तो अपने आप को डिस्टेंस करना मैं शुरू कर देता हूँ. और वो हो सकता है वो चीज़ अच्छी है मेरे लिए आगे के लिए, बट जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पे चुत गया हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे ख़त्म हो चुका हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ से भी जो अच्छी चीज़ है उससे भी डिस्टेंस हो जा रहा हूँ. तो ज़्यादा जब खुशियाँ रहती है तुम डर जाते हो, बहुत, यानी कि इतनी खुशी नहीं देखी है लाइफ में, तो जब खुशी आती है तुम्हें लगता है ये भी जाने वाला है. बिल्कुल, मैं जैसे ही मतलब आता हूँ, आप मुझे लॉकअप से मैं जब आया, ये वो, अभी कोई भी अचीवमेंट ये वो, उसके बाद जब मैं बैठ रहता हूँ घर पे, जब वो अटेंशन मिलता है बहनों का, कजिन्स का, मेरे दोस्तों का, और कहीं शोज़ वगैरह पे भी जाता हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप मिल जाते हैं कि भाई फैंस है, उनके बीच में जब बैठ रहता हूँ ना, उनको देख के लगता है कि रियलाइज़ होता है कि हाँ यार इट्स अ बिग डील, बट मैं इसको बिग डील क्यों नहीं समझ रहा हूँ, मैं ऐसे इसको क्यों ले रहा हूँ, हाँ अच्छा गया और कैसा गया, हाँ ठीक गया. मुझे लगता है, लोगों को लगता है कि मुनव्वर बहुत फियरलेस है. तुम सुना देते हो, फटाक पंच मार देते हो, खत्म. चित्रे उठाने तो वो भी कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो शार्प माइंड है. पर अब जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तुम दिल से इतने फियरलेस नहीं हो भाई. इज दैट ट्रू? ट्रू. रीजन, सेंसिटिविटी हर इंसान की. ये अभी आई है? नहीं, इंटरनेट पे आप जब देखो, आप अभी इंटरनेट आप खोलोगे, दिल बैठ जाता है खबरें पढ़ के, दिल बैठ जाता है कि तुम कौन सी चीज़ का जिम्मेदार, कौन सा बिल तुम पे फाड़ दिया जाएगा तुम्हारे को भी नहीं पता. कह रहा है रोज़ सुबह मैं उठता ही बिल लेने के लिए, क्या आज कौन बिल फाड़ के मेरे को दे रहा है, चलो कौन 4 साल 3 साल पहले के मुर्दे उखाड़ रहा लाओ. तो मैं उस चीज़ के लिए अब वो वैसा फील होने लगा है कि भाई माहौल ही वैसा बन चुका है कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि लाइक कैसे कैसे इल्ज़ाम लग जाते हैं. कि जब खतरों के खिलाड़ी का जब बात था तो पासपोर्ट को लेके वो हुआ, तो लाइक मैं काम के लिए भी बाहर नहीं जा सकता. पासपोर्ट रिजेक्ट हुआ, तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, कुछ तो वो टेक्निकल वो सारे रीजंस की वजह से, बिकॉज ऑफ द केस. एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो, 1.5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, बट चलो कोई ना, आराम से आ जाएगा. यहाँ पे भी काम नहीं करने दे रहे, बाहर जाके भी काम नहीं करने दे रहे, ठीक है. मेरे पास कोई रियासत तो थी नहीं जो लुट जाएगी, मेरे पास तो वैसे भी कुछ नहीं था. तुम मटेरियल चीज़ों से, गाड़ी वाड़ी से अटैच नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, जेन्युइन अटैच हो. हाँ, ज़रूरत है वो आ गई चीज़ें तो हाँ ठीक है, बहुत सोच समझ के इस इन सब चीज़ों पर खर्च कर. चौल में रह सकते हो? मैं भाई चौल में तो मैं अभी भी चौल में ही, जब मैं खाना ठीक से मेरी बहन के घर पर डोंगरी पर जाके खाता हूँ, और वही सिस्टम जो पहले खाता था आज से 10 साल वहीं पे पेट भर के वहीं खाता हूँ. अभी ये तो लेके जा रहे, अभी तुमने मंगा दी कॉफ़ी स्टारबक्स की, बाकी कॉफ़ी थोड़ी पीते हम लोग, वो चाय और खाखरा खाते हैं घर पे, बराबर ना. ये जब बिल्स आते हैं रोज़ सुबह, थक जाते हो? थके हुए ही हैं, थके पहले से उठता ही थका हुआ मैं थका हुआ ही हूँ, बट पर ये क्या तुम्हारा स्टाइल रोक देता है तुम्हें कभी, जैसा तुम्हारा जो स्टाइल होता नहीं, है नहीं तो ये मैं वही फियरलेस की बात कर रहा था कि मुझे बस ये सोचना पड़ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है. मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को लगता है कि ये आवाज़ नहीं उठाता है, ये सब चीज़ों पे आवाज़ उठाओ, ये वो आवाज़, लाइक आवाज़ उठाना ज़रूरी है इस चीज़ पर. मैंने कल ही रात में कुछ मैं देख रहा था, मूवीज अभी बॉयकॉट हो रही थी लाइक, ठीक है, एक लड़का इंटरव्यू दे रहा था बॉयकॉट मूवीज पे, ही वाज सेइंग थिंग्स अबाउट बॉलीवुड, ये वो ऐसा वैसा उसने कर दिया ये वो,
ठीक है, ये पॉइंट्स तो बोल रहा है कि भाई बॉलीवुड न्यू स्टार को वो नहीं दे रहा है, कि न्यू स्टार को नहीं दे रहा है, गैंग है ये वो, ठीक है, हर जगह ही रहता है, जहाँ पे ये क्या नेपोटिज्म बोलते हैं, नेपोटिज्म नहीं है वहाँ पे करप्शन है, यहाँ पे करप्शन नहीं है वहाँ पे डोनेशन है, डोनेशन नहीं है वहाँ पे रिकमेंडेशन है, तो ये तो सब कुछ है ही, ये आदमी इतना गुस्से में क्यों है, इसको क्या? मैं 15 मिनट तक उसको रेंट करते हुए देखा और 15 मिनट के बाद मैंने सिर्फ ये सोचा, इसको क्या, ये नॉर्मल इंसान दिख रहा है, एक्वागार्ड वाला होगा या फिर ये कोई इंजीनियर होगा या कोई नॉर्मल होगा, इसको क्या, इसको बॉलीवुड बॉयकॉट करके क्या मिल रहा है, और ये 15 मिनट से कैमरा के सामने रेंट कर रहा है, हर पॉइंट्स रख रहा है इंटरनेट के, व्हाट्सएप के आधे मतलब कच्चे पॉइंट्स जो जिनका कोई मतलब नहीं है, कि नए नए स्टार्स को लेके, अबे तेरे को मालूम है नए स्टार को मल्टीप्लेक्स वाला शो नहीं देता है, तेरे को मालूम है लो बजट की पिक्चर रहती है उसको मल्टीप्लेक्स ट्रेलर लगाने के पैसे देता है, मल्टीप्लेक्स ट्रेलर लगाने के पैसे चार्ज करता है, तेरे को मालूम है तो किसको एक्टर ले ले, MBA पढ़ा दे तो फेस वैल्यू पता था, ब्रांड वैल्यू पढ़ाते हैं तो वही तो है स्टार किड, वो फेस वैल्यू है इसलिए वो लोग खरीद रहे, तो तेरे को तो वो सब पता ही नहीं है कि क्यों पिक्चर चलती है मल्टीप्लेक्स में, अगर तू बोलता है कि भाई पिक्चर चलनी चाहिए नॉन स्टार, जो स्टार किड ही नहीं है, जिसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, अच्छा एक्टर है, तो वो एक सिस्टम है ना, कि ये सिस्टम ऐसा बन चुका है, अब मल्टीप्लेक्स वाले भी मर गए ना, पेंडेमिक आया उसके बाद अब OTT लोग वो कर रहे, भाई वो जो बड़ा स्टार है उसको तो 100 करोड़ 50 करोड़ OTT दे देगा, OTT बॉयकॉट कैसा करेगा तू, और चल ना तू बॉयकॉट उसको कर दे, उसको तो उसका पैसा फीस मिल चुका है, अब वो जो वेंडर है जिसने प्रिंट पब्लिसिटी किया है उसका अटक गया पैसा क्योंकि पिक्चर फ्लॉप हो गई, जो वेंडर था जिसका बिल बाकी था खाने का वो अटक गया, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये आदमी 15 मिनट से कैमरा के सामने रेंट कर रहा है, इसको क्या मिल रहा है ना, आई रियलाइज वैलिडेशन, इसके सामने एक कैमरा है, इसको पता है इसको लोग देखने वाले, और इसको चाहिए उन लोगों से वैलिडेशन जो बात इस जो ये बात कर रहा है वो बात सेम बात करने वालों से, तो आप कोई भी बात करो, आप IPL फैन हो राइट, कोई टीम के मुंबई इंडियंस के, आप RCB के खिलाफ कुछ लिख दो तो RCB के फैंस आपको कुछ बोलने लग जाएंगे, लेकिन मुंबई इंडियन के फैंस आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, आपको मिल गया वैलिडेशन, वो जो सपोर्ट है ना 4 कमेंट में और 15 लाइक, इट मेक्स यू फील स्ट्रॉन्ग, बिकॉज घर पे नहीं सुन रहा कोई, तुम्हारी घर पे कोई नहीं सुन रहा, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे को पसंद नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे 15 लाइक मिल चुके, तो बात यहाँ पे आ गई है कि भाई वैलिडेशन, इसको कुछ लगे धगे नहीं, इसको कुछ लेना देना नहीं है, पिक्चर हिट हो गए फ्लॉप हो गए इसका ना फायदा है ना नुकसान है, ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको वैलिडेशन मिल रहा है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई ये सब लोग, ये जो आवाज बन जाती है सारी वो किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड पावर, इंटरनेट ऐसा पावर है जो आबाद कर सकता है बर्बाद कर सकता है, इट्स डिपेंड कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो, मेरा काम इंटरनेट पे लव लाफ्टर है, कंटेंट देना है, लोगों को खुश रखना है, लोगों को काम करके देना है, ठीक है, और मैं वही करता हूँ, मेरे एक जोक की वजह से तुम मेरा कितना गला दबाओगे, और ऐसा भी नहीं है कि मैं पतली गली से बच के निकल गया है, चल रहा है भाई मेरे पे केस, मैं झाके आया जेल में रहा हूँ, महीने दिन से ज़्यादा गुजार रहा हूँ जेल में, और वो अभी भी चल रहा है, तलवार तो ऐसा लटक ही रही है ना, भले छोटे से छोटा पाकेट मार भी अगर केस है तो उसका जब तक केस चलते रहता है चोरी का भी तो चलता ही रहता है यार, तो वो तो है ही ना, तो ऐसा भी नहीं कि मैं पतली गली से निकल गया कि तुम तो मेरा अभी भी गला दबाने पर तुले हो, तो बात यहीं पे यही है कि भाई ये जो पावर है ना, आज मेरे पीछे कोई किसी के पीछे आएंगे, तुम्हारे पीछे भी आ सकता है, कोई किसी के पीछे आ सकता है, बॉयकॉट कोई भी हो सकता है, लोग बोलते हैं ना बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, राइट विंग लेफ्ट विंग तो छोड़ ही दो, यहाँ पे पॉलिटिकल ये नेता वो नेता ये छोड़ ही दो, सबको पता है कोई किसी का सगा नहीं, मैं हो सकता है मेरे जोक मोदी जी को पसंद आते हो कि भाई वो वाला पॉलिटिकल जोक बढ़िया था, बट इन लोग को नहीं, नीचे वाले जो है उनको शायद नहीं पसंद आया, तो और ऐसा नहीं है कि इस पे जोक करो, भाई तुम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे जोक करो लोग ऑफेंड होते हैं,
कोई ले नहीं पाता है जोक, सब ऑफेंड होते हैं. तो ये सेंसिटिव हो चुके हम. पहले होता था पॉलिटिकल जोक हो जाते थे, ये हो जाते थे, बट अभी थोड़ा माहौल सेंसिटिव हो चुका है. तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है खुद को इसमें ढाल लो, क्योंकि हम और हमारी ऑडियंस सफ़र हो रही. तुमको नहीं जीना, तुम्हारी ऑडियंस रोज़ सुबह उठ के तुम्हारे को डिफेंड कर रही है इंटरनेट पर. वो भी तो थक जाएंगे ना कि भाई ये ऐसा आर्टिस्ट है जिसको डिफेंड ही करना पड़ता है. तो आप कॉन्टेंट दो, ठीक है मैं गाने दे रहा हूँ, ठीक है मैं कॉमेडी डाल रहा हूँ, ठीक है लास्ट देख लो. कोई भी स्टैंड अप वीडियो में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक जोक या कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम ध्यान रखते कि भाई चल ठीक है मिटा दे, चल ये वाला नहीं करते. अच्छा मोटे मोटे पे लोग भड़क जाएंगे, मोटा नहीं बोलते, ठीक है हेल्दी बोलते, समझ रहे हो. तो ये ट्वीक्स तुम लाए, ये वहाँ वो एज अ राइटर आप में भी शायद इम्प्रूवमेंट आ ही जाता है. पर क्या तुमने अपना नेचुरल फॉर्म ऑफ डिलीवरिंग जोक्स ये सब रोका? नहीं वो चेंज नहीं, वो वैसा ही है. अभी भी मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं नॉर्मल बात करते हुए क्राउड वर्क में भी किल ही करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो छीन नहीं सकते भाई, वो तो कमांड है. जब तुम्हारे 12 शोज कैंसिल हुए थे तुमने शायद ट्वीट किया था सेइंग बस अब हो गया, दिस इज इट. हाल ही में भी एक दो शोज कैंसिल हुए थे तुम्हारे वापस, और एक शो हो गया था. जब शोज कैंसिल होते हैं ट्रॉमेटिक रहता है तुम्हारे लिए? बिल्कुल, बहुत ज्यादा. ये अभी काम ही है ना, अभी काम आपका काम रोक दिया जाए, काम कैंसिल कर दिया जाए आपका कि भाई यू आर नॉट अलाउड टू डू इंटरव्यू फ्रॉम टुमारो. अरे राइट, दैट्स योर लाइफ राइट. तो वही फील होता है कि यार ये क्यों, मतलब मेरे शो 30-40 लोगों का घर चलने वाला था आज. जो ड्राइवर था, जो लाइटमैन था, जो वेंडर था, जो क्लीनिंग स्टाफ था, जो वॉलंटियर थे, जो बाउंसर थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, वो लोग का तो आज का 500,000 रुपया गया यार. मेरा भी गया, नो डाउट मेरा भी गया. बट मैं तो वो बिलीवर हूँ ही कि भाई ये जो यहाँ लिख दिया है ना, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता. मैं हमेशा मतलब अल्लाह की बेहतरी है, शो कैंसिल हुआ ऊपर वाले की मर्जी है, ठीक है ये नहीं हुआ डील नसीब में नहीं रहेगा. अब जो नसीब में नहीं हो आ ही नहीं सकता. कभी इनसिक्योरिटी होती है कि शायद तुम्हारा स्टैंड अप कॉमेडी जो तुम्हारा मेन कोर है, तुम्हारा मेन पैशन है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा, कभी ऐसे थॉट्स आते हैं? हाँ बिल्कुल, वो चलते रहता है ऑन. अभी वापस चल गया, अभी कैंसिल करो शोज तो ठीक है. कैंसिल ये होता है कि लीगली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लाइक सेंसर सर्टिफिकेट है शो का, लीगली प्रॉब्लम नहीं है. सेफ्टी, ये लोग जब पावरफुल लोग जो पावर है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके जिनको लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, वो लोग अगर धमकी देंगे कि यार वेन्यू जला देंगे, वेन्यू तोड़ देंगे, तुम समझ रहे हो, तो इट्स स्कैरी. भाई मेरे पीछे है 20 बाउंसर, मेरे आगे है 20 पुलिस, मेरे को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मेरे को बाउंसर मिल जाएंगे, बट आई डोंट वॉन्ट माई ऑडियंस टू गेट सफर. वो लोग को क्यों रिस्क पे डालूँ मैं, वो लोग को नहीं डालना चाहता मैं. मैंने हैदराबाद में शो किया, बहुत वेलकम किया प्यार से, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सिक्योरिटी दी, बिकॉज लीगली वो लोग चीज़ें प्रोसेस फॉलो कर रहे थे. मुझे रिग्रेट हो रहा है वो शो करके कि मैं रिस्क अपनी जान रिस्क पे डाल के मैं शो करने गया. मैं अच्छे से तुम्हारे लिए शो किया, नॉर्मल अच्छा शो, कॉमेडी शो दिया, तुम हंसे, टिकट खरीद के खुद आए, ये वो. उसके बाद अगर कोई उसका बहाना बना के, उसको रीज़न बना के अपनी पॉलिटिकली चीज़ें चमकाने की कोशिश करता है, नंबर्स की कोशिश करता है, तो यहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि यार ठीक है यार नहीं करता. तुमको क्या लग रहा है मैं पैसे के लिए पागल हूँ? तुम्हारे को मालूम है वो जितने का शो था उतने का खर्चा हो चुका है, वहाँ से कुछ कमाया नहीं. इनको यही लगता है काम धंधा बंद कर दो. मैं वही बोल रहा हूँ, कोई रियासत नहीं थी भाई कि मेरी लुड़ी आएगी. मेरे को अभी भी वो चाय खाखरे में ही मजा आती है, मेरे घर पे अभी भी वो बिरयानी बन ही सकती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उतना टैलेंट तो है मेरे में कि मैं महीने का 30,000 रुपया कमा लूँ, जो घर चलाने के लिए और खाने पीने के लिए काफ़ी है. मैं कंप्यूटर के आगे बैठ जाऊँगा ना तो मैं ग्रीटिंग कार्ड विकिंग कार्ड भी कुछ भी बना के ना मैं उतना तो कमा ही सकता हूँ, ठीक है. तो वो स्ट्रेस नहीं, तो पैसा प्रायोरिटी नहीं है. मैं पैसे के लिए नहीं आया था शो करने, और मैं पैसे के लिए शो नहीं करता हूँ. स्टेज पर खड़े रह के अभी भी बोलता हूँ,
सेकंड थर्ड होगा पैसा प्रायोरिटी, बट फर्स्ट सेकंड तो ये तुम लोग जो हंसते हो, जो मिलते हो, आके गले लगते हो और बोलते हो भाई मजा आ गया, तेरा शो देखा, ये चीज है। वो मजा जैसे मैं बोला ना, उसको क्या मिल रहा है 15 मिनट रेंट करके, वैलिडेशन। तो मेरा वैलिडेशन इन लोगों के अप्लॉज है, तो मैं उसके लिए आता हूँ, मैं उसके लिए मरता हूँ स्टेज पे जाने के लिए। इतने बवाल के बीच में क्यों जाना चाहूँगा स्टेज पे, इतने बवाल के बीच में क्यों करना चाहूँगा शो, बट करता हूँ। उनको लग रहा है पैसा, तुमको ही मालूम है क्या क्या ऑफर है, मेरे को नहीं मालूम तुम्हारे को क्या क्या ऑफर है, लॉकअप के बाद कितनी ऑफर है, क्या क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे को भी मालूम है ना। और रियलिटी टीवी के जीतने के बाद तो माने नेक्स्ट लेवल होता है भाई, है ना, वो सब है ही, काम है अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अल्लाह ने दिया। बट ये ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ ना, जो बोलते हैं कि भाई तुम्हारे को लाइव देखना, भाई तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना है, मैं शो के बाद 2-2 घंटे खड़े रह के फोटो खिंचाता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी के शो पे आते हो ना, आपका एक दिन बन जाता है, भाई मजा आ गया कल शो पे गए थे, भाई इसने रिप्लाई दे दिया आज तो मजा ही आ गया। जब वो शो के बाद फोटो खिंचा के जाता है ना, उसकी टाइमलाइन पे वो फोटो है, उसके दोस्त रोज कमेंट कर रहे हैं, वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी दिखाएगा कि मेरा मुनव्वर फारूक का फोटो है, वो मेरा फैन है, उसका 1-2 महीना बन गया कितने में, 500 रुपये में, 1000 रुपये में या 1500 रुपये में, तो उसका ये बन गया। फोटो देने का रीजन ये है कि मेरे को भी थक जाता हूँ, मैं भी ट्रैवल करके सुबह से आया हूँ, मैं ऑडिटोरियम 2 घंटे पहले पहुँचता हूँ, माइक चेक करता हूँ, शो 3 घंटा चलता है, शो के बाद भी 2 घंटा, मैं भी थक जाता हूँ, लेकिन मैं उससे हंस के मिलता हूँ, फोटो हंस के खिंचाता हूँ, क्योंकि तू यहाँ से खुश जा, मैं तेरे 2 घंटे की खुशी का रीज़न नहीं बनना चाहता, मैं चाहता हूँ तू 15-20 दिन मेरी वजह से खुश रहे। मेरे हाथ में नहीं है, बट आई वॉन्ट टू ट्राई दैट, खुश रखने वाली ज़ात ऊपर है, बट I want to contribute to your happiness. तुम्हें लगता है कि कभी-कभार तुम्हें scapegoat बनाया जाता है? हर बार। Political aspirations है? हर चीज़ में आ जाती है, हर चीज़ में आ जाती है। तो वो है ही, वो दिखता है, मैं बच्चा थोड़ी हूँ यार, वो दिखता है। But वो ना कि यार, ठीक है, चल भाई, क्या करना है? But बात end of the day यही होती है कि यार, मुझे political मत बनाओ। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, अगर मैं सटायर भी कर रहा हूँ तो वो मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं खुद की फैमिली को, मेरे आसपास के जो 16 चूल्हे जल रहे हैं ना, वो 16 चूल्हों का टेंशन है मेरे को कि ये बुझने नहीं चाहिए, तो मेरे को वो मत बताओ, मेरे को इनको सपोर्ट करना है, आई विल फिगर आउट के कैसे कमाना है, बट मैं कोई पॉलिटिकल इंसान नहीं हूँ, मुझे किसी से नफरत या किसी से पसंद नहीं है कि चलो मोदी जी ने बोल दिया तो मैं फ्लैग क्यों लगाऊँ, नहीं भाई, अच्छी बात बोलिए, क्या सही ट्रेंड बोला है कि यार क्या खूबसूरत लगेगा, हम रखते हैं ना भाई सबके दिख रहे, क्या खूबसूरत लगेगा, ठीक है यार मैं तो फ्लैग लगाऊंगा, अच्छा आइडिया, अच्छी चीज़ है, आई वॉन्ट टू फॉलो दैट, कि ओ भाई आई रियलाइज कि भाई कुछ लोग बोलेंगे ओ तुम तो ये रख रहे हो, ये रख रहे हो, नहीं, दिस इज़ अ गुड आइडिया, दिस इज़ अ गुड ट्रेंड, कि अगर किसी ने बोला है, अगर प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोली है तो तुम अप्रिशिएट भी तो कर सकते हो ना, कि यार हाँ यार प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोल दी, आप अप्रिशिएट कर दो, तो ये लोग बोलते ओ तुम तो ऐसे हो गए, अरे ऐसे हो गए भाई, मैं सच फॉलो करता हूँ, मैं सच्चा इंसान हूँ जो सच्ची चीज़ों को समझता है और सच्ची चीज़ों में ही देखता है कि भाई लाइफ मैंने बहुत झंड गुजारी, मेरी लाइफ में मैंने बहुत गलतियाँ करी है, मैं सही इंसान नहीं था, मैं गलत इंसान था, मैंने झूठ बोले होंगे, चीट किया होगा, ये सब चीज़ों के बाद आई वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन, मैं एक अच्छा इंसान बनने की अभी रोज़ कोशिश करता हूँ, मैं रोज़ बोलता हूँ रोज़ थोड़ा बेटर इंसान बन जाओ, तुम परफेक्ट नहीं बन सकते लेकिन हर रोज़ ना थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो, लास्ट दिन से मैं ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ और मैं ये करता रहूँगा, डजेंट मैटर क्या आ रहा है लाइफ में, क्या जा रहा है, मैं अपने उजागरे बोलते गुजराती में बेनींद रातों को उजागरे के, मैं अपने उजागरों के साथ भी खुश हूँ, मैं अपनी भूख के साथ भी खुश हूँ, मेरे पेट भरा हुआ तो भी मैं खुश हूँ, मैं बस अपने आप से बात करते रहता हूँ, मैं अपने आप को बताते रहता हूँ कि भाई तू देख लेगा, तू कर लेगा, फिक्र मत कर,
सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर इतना सेल्फ अवेयर होता है ना कि इंसान को पता है कि दुरोते को पता है ना तेरी फटी पड़ी है, तो जानता है ना हाँ यार क्या करूँ, बस खुद से करके निकाल रहा। जूनागढ़ से जो तुम्हारा होम टाउन है, कितने अभी भी जुड़े हो? बहुत ज्यादा, ये वही उजागर अभी जो निकला वो, इट्स लाइक मुझे बेनींद रातें या स्लीपलेस ये सब बाद में आया, पहले दिमाग में उजागर आया, तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए। इसका रीजन ये है कि जो गुजरात है ना, गुजरात उसकी एक खास बात तुम्हारे को बताता हूँ, लोग है ना आपके लिए मर जाएंगे, दोस्ती हो यारी हो मोहब्बत हो, गुजरात के लोग जहाँ पे मैं हूँ, मैं जो टाउन से हूँ, तो और ये पूरे गुजरात की वाइब है, बहुत चिल लोग हैं, लाइक बहुत चिल लोग हैं, बहुत कम चीज़ों में खुश रहने वाले लोग और बहुत प्यार से रहने वाले लोग। स्कूल में हमने कभी ये सब नहीं देखा था कि ये धर्म है ये मज़हब, नहीं पता ही नहीं चला कभी वहाँ पे, कभी ग्राउंड लेवल पे पता नहीं चला। 2002 हुआ तो पता चला कि ओ ये सब हो रहा है, हमें तो पता नहीं है। हरीश तेरे को पता है? हरीश बोला नहीं, अपने को क्या, तो हमें तो वो चीज़ कभी रियलाइज हुई नहीं। तो मुझे पता चलता है कि यार मेरी लाइफ में जो भी आज मैं हूँ, बोलते हैं ना कि मैं अपनी मेहनत से हूँ, मैंने कर दिखाया वन हैंड ये वो, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है। बोलते हैं ना एक चुटकी मिट्टी होती है ना, इंसान को उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बनाने में ना लाखों लोगों का हाथ होगा, लाखों लोगों का, कि भाई जब मैं रो रहा था ये आदमी आके मेरे कंधे पे हाथ रख दिया था, अगर ये उस वक्त हाथ नहीं रखा होता ना तो मैं मर गया होता। वाकई में इतने लोगों का हाथ है, तो मेरा जो बचपन रहा है ना वो बचपन ने ही मेरे को इन सब चीज़ों के लिए रेडी किया, वो माहौल ने, मैं जहाँ पे रहता था ना मैंने इतने लोग देखे ना, कि हर तरह के लोग देखे, हर तरह के लोगों के साथ बात हुई, हर तरह के साथ लोगों के साथ रहना हुआ। तो गुजरात में वो जो टाउन था मेरा जूनागढ़, उसने मुझे ये इंसान बनाया कि मैं इमोशनल भी हूँ, मैं शार्प भी हूँ, मैं बहुत कनिंग भी हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट भी हूँ, मैं बहुत हार्ड भी हूँ, कि भाई मैं इतने चीज़ें हैं ना मेरे अंदर कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। मैं ये बात करते करते रो दिया, बट अगर तुम तकलीफ में हो मैं नहीं रोऊंगा, क्योंकि आई नो ये तकलीफ में मैं रो नहीं सकता इसके सामने, आई मेक श्योर ये भाई पागल क्या रो रहा है, चल 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 ऐसे करके मैं तुम्हारे को लेके आऊँगा, अंदर मेरी भले फटी पड़ी, तो आई नो कि मैं प्रिटेंड कितना अच्छा कर लूँ। तो मुझे लगता है वो मेरा जो बचपन था ना, वो 14 साल का वहाँ का, उसने मुझे वैसा बना दिया, और उससे मैं कभी भूल नहीं पाया। वहाँ पे जो मैंने खाया ना वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट फूड है, आज भी मुझे लगता है कि वो ये सालन के साथ बाजरे की रोटी। के साथ तुम गुजराती में बात करते हो? मेरी बहनों के साथ नहीं, गुजराती में बात नहीं करता हम लोग, बाबा हिंदी, मतलब वहाँ पे जितने भी गुजरात में है ना, तो गुजरात में क्या ना मुस्लिम फैमिलीज जो है वो अपने घरों में, बहुत सारे जो है कि मुस्लिम फैमिलीज बाहर से आएगी, ठीक है, बहुत सारी, मतलब कि कोई मुंबई की कोई है मॉम कहीं मुंबई से, या शादी होके है, या कोई दिल्ली से, तो उस तरह मिक्स होके ना वो धीरे 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 वो बाबा हिंदी तक पहुंच गया, कि पानी को पानी बोलते हैं, कि पानी पीना तो ले ले, पानी पीना, खाना खाना तो खा ले, तो लाइक काइंड ऑफ गुजराती हिंदी का वो मिक्सचर है, तो वो वही लैंग्वेज में बात होती है। तो आज भी मैं जूनागढ़ जाता हूँ तो मैं अपने दोस्तों से ऐसे ही बात करता हूँ कि जाने देना भाई तू काहे को मगज खराब करता है, तो उन लोग बोले कि तेरे को देख के लगता है नहीं तू बॉम्बे से आया, बोले यहाँ वो गया था सलीम भाई का लड़का 3 महीने पहले बॉम्बे, आके बोलता है मेरे को पानी चाहिए, तो बोला बोला भाई अपन नहीं भूल पाते। इतनी तकलीफें देखी हैं, कभी सुइसाइडल थॉट्स आए हैं? या, और उसको कैसे तुमने कर्ब किया, कैसे रोका? कोई दोस्त था, फैमिली मेंबर था, या खुद अपने आप से तुमने बोला कि देख भाई नो नो नो? खुद की दी हुई बॉडी नहीं है तुम्हारे को, खुदा ने, टैटू आपको पता होगा इस्लाम में हराम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें हार्म करें,
जैसे सिगरेट बोलते हैं, हुक्का बोलते हैं, सब ये चीज़ें ना मना है कि नहीं करो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को हार्म कर रही है, ऊपर वाले की दी हुई चीज़, तो उसको ख़त्म कर देना ये सबसे बड़ा गुनाह में माना जाता है, ठीक है। एंड आई रियली फील दैट अबाउट माई मदर कि उन्होंने ये चीज़ क्यों करी। इतनी समझदार औरत ने ऐसी चीज़ क्यों करी कि जब आपको पता है कि यार खुदा इससे बहुत नाराज़ होता है इस चीज़ से, तो फिर तुम दुनिया से जाने का ऐसा रास्ता क्यों चुने। ऑलवेज यूज टू फील दैट, ऑलवेज यूज टू फील दैट। एंड फ्रॉम लास्ट 3-4 years ना सुनते आते ना कि यार कमज़ोर लोग करते हैं, कमज़ोर लोगों की निशानी है सब करना। फ्रॉम लास्ट 3-4 years आई रियलाइज नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग ये कर सकते हैं। जो बहुत स्ट्रांग है ना वही ये चीज़ कर सकता है। व्हेन आई हर्ड अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, 2-3 दिन तक ना हाथ कांप रहे थे। टू फील दैट, अभी भी मैं कोई सुसाइड की खबर सुनता हूँ या बात सुनता हूँ या मेरे मुँह से मजाक मजाक में निकल जाता है, आफ्टर अ मिनट आई जस्ट गो बैक देयर एंड आई रियलाइज कि वॉट इट टेक्स, कि इंसान को कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा खुद की जान लेने के लिए। एंड ये सारे थॉट्स जब आना शुरू हुए तब यही पहली चीज़ यही रोक देती है आपको कि भाई खुदा ही मंजूर नहीं करता इस चीज़ को तो ये चीज़ नहीं कर सकते। फिर दूसरे चेहरे दिखने लगते हैं, चेहरे याद आने लगते हैं कि यार ठीक है, उस तक खबर पहुंचेगी तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा, रुक जा मत कर। जब तुम चलते हो रोड पे, तुम्हारा क्यूट सा मैनेजर भी है, मैं भी अकेले चलती हूँ, उसके साथ चलते हो, कभी भय रहता है अपनी जिंदगी का? आराम से चल सकते हो, लाइफ थ्रेट्स वो सब जो चीजें हमको सुनने को मिलती है वो वाली कभी थॉट्स नहीं आते ना? मेरे लिए आसानी हो जाएगी? नहीं क्या बोल रहा था मैं, मजाक, कभी नहीं कभी नहीं भाई। अभी अच्छे दोस्त भी बन गए तुम्हारे, तुम्हारे जो एक शो में तो प्रिंस, युविका, करण, तेजस्वी सब आ गई, परिवार सा बन गया अभी। हाँ बहुत प्यार है। और आपने जैसे बोला रोड का, मैंने कभी रास्ते पे हेट नहीं देखा, नेवर। आई ऑलवेज फील कोई भी आया, कोई भी इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, दे आर लाइक ऑलवेज लाइक भाई बिग फैन, उनको मेरी अच्छी चीज़ें याद है क्योंकि मैंने 99% जो किया है वो कंटेंट अच्छा है, वो उसको शायद भूल चुका है, उसने देखा नहीं है, उसको वो सब चीज़ें उसके लिए मैटर नहीं करती। बट मैंने ऑलवेज फील किया है, ये पॉलिटिकल जो सोशल मीडिया पे चलता है वो जाने दो, रास्ते पे लोगों ने रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। और अभी कार भी मैं रोकता हूँ, कार रोकता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई थोड़ा बाहर आऊँगा तो पंगा हो जाएगा, तू कांच खोलता हूँ ले ले फोटो, मुझे उसको मना करने का मन नहीं करता कि भाई तू कार रोक दिया क्या कर रहा है, कि व्हाई यू स्टॉपिंग, मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है व्हाई यू स्टॉपिंग योर कार, आई वाज लाइक, मैं फिर वो चिड़े ना तो मैं उसको बोलता हूँ अरे मेरे को लगा वो मेरा वो दोस्त है वो उसके लिए तो मुझे लगा वो है इसलिए मैं रोक दिया, तो इसलिए ओके आई लाइक ठीक है, तो आगे फिर फोटो ले लिया। तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ये यही सब कुछ है, मुझे तो यही खुशी देता है। जैसे मैंने बोला ये प्रायोरिटी नहीं है, मेरा वैलिडेशन यही है। तो रास्ते पे तो ऑलवेज रिस्पेक्ट है, प्यार है, बहुत सारी जगह पे खाने जाता हूँ पैसा नहीं लेते, मुझे ऐसा लगता है अभी ये प्रमोशन बोलेगा ये वो, बिल्कुल कुछ नहीं बोलते, बोले तुम जाओ, थैंक यू, बिग फैन। तो ऐसा लगता है कि यार ये पब्लिसिटी नहीं कर रहा, ये धंधा नहीं कर रहा, ये आउट ऑफ रिस्पेक्ट और आउट ऑफ प्यार, ये तो कोई तो शायरी इसको दिल पे लग गई है मेरी, या तो कोई तो जोक इसके दिमाग में चढ़ गया जिसकी वजह से इसने मेरे को खाना फ्री में खिला दिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिसने फ्री में खाना खिलाया नेक्स्ट टाइम उसकी जगह पे जाऊँ तो भाई उसको पैसा दूँ। तो वही है कि वो बोलते भाई ये कपड़े ले लो, ये डिज़ाइनर है वो है ये वो, मतलब नहीं भाई मैं खुद खरीद लूँगा, मेरे को अभी भी डर लगता है किसी से फेवर लेने कि चुका नहीं पाऊँगा। नज़ीला के साथ रिलेशनशिप में सुकून है? बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि
हर चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल सही होती है, हर चीज़ अपनी तरफ से बहुत सही होती है, लेकिन लाइफ के जो डैमेजेस होते हैं ना आपकी लाइफ के, आप एक इंसान पे जिम्मेदारी नहीं डाल सकते उसको सही करने की। तेरा मेरा जो हमारा जो पार्ट है रिलेशनशिप में वो सही है, वो अच्छा है, ब्यूटीफुल है, बट मैं वो बैग लेके नहीं घूम रहा हूँ, मैं भाई गोनी लेके घूम रहा हूँ, ठीक है ना, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा बैग ले, तो वो मैं पूरी गोनी लेके घूम रहा हूँ, तो बस वो गोनी की वजह से कभी कभी ऐसे मैं बहुत वजन फील करता हूँ, तो शायद ध्यान नहीं दे पाता, या शायद जो भी कुछ मेरी तरफ से गलत हो रहा हो, तो यही रीज़न है बस, तो समझ जा। समझती हैं? हाँ, बहुत छोटी उम्र में ये समझना भी बहुत बड़ी बात है उसमें, मीन्स मैच्योर लड़की है। जब तुम देखते हो एक एक बहुत स्वीट सी लड़की आई थी, मेरे लिए बहुत स्वीट है, उर्फी जावेद, सुना उनके बारे में? हाँ सुना है, पूरा दिन उर्फी जावेद ही दिखते रहती, आज क्या पहन लिया इसने। पर मुझे लड़की बहुत पसंद है, क्योंकि जैसी है वैसी है, बहुत बिंदास है, फायरी है, मेरे शो पे नहीं पर कहीं उन्होंने कहा था कि मैं देखते रहता हूँ, पैप से बहुत क्यूटली बात करती है, और मुझे दिल से, तो पहली बार उनसे बात किया था मैंने ऑनलाइन, उसके बाद रिसेंटली आई थी, उन्होंने कहीं कहा था कि उनको डेट करना है मुनव्वर फारूकी को, अच्छा, बिकॉज़ शी इज सो फॉन्ड ऑफ यू। अच्छा, डू यू सी हर कंटेंट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हर? और उनको मालूम है कि यू आर हैप्पी इन योर पर्सनल लाइफ, ऐसा नहीं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। मैंने उनका कंटेंट वो बिग बॉस में दे रहा है, मैं पिछले 2-3 साल से बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा, ठीक है, बाकी आई वाज अ बिग फैन ऑफ बिग बॉस, लाइक एवरी नाइट वो डाउनलोड करके देखना ये वो, बट मैंने उनका अभी तक कंटेंट नहीं देखा, बट या मैं मुझे वो सच में रणवीर कपूर ने बोला, रणवीर सिंह ने बोला ना कि यार वो रणवीर सिंह ही है, लेडी रणवीर सिंह, तो सही में मुझे वही लगती है कि भाई कुछ भी पहन लेती है भाई ये, तो वाह ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और या दैट्स गुड इफ शी थिंक्स दैट, बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा ऑब्वियसली, मैं क्या ही बोलूँगा, बट आई होप कि उन्हें कोई अच्छा फनी सा लड़का मिल जाए। अरे अरे बहुत, और बहुत अच्छा लड़का मिलेगा, सॉलिड लड़की है वो, yeah. वो भी प्रिंस, और तुम गाना कर रहे हो? जी जी, प्रिंस भाई के साथ गाना आ रहा है, गाना शूट कब से हो चुका है, वो एडिटिंग वगैरह में थोड़ा अटका है। तो मेरे शो पे तुम जानते ही हो, तुम्हारे सब भाई बहन आके मैंने प्रिंस रिंस तो तारीफों के गुण गाते हैं, करण कुंद्रा गाते हैं, मैंने तुम्हें ये पूछा भी था अभी, युविका हो सब, तो एक अच्छा महसूस हो रहा है कि ये लॉकअप वॉकअप के बाद ये दोस्त बन गए, प्रिंस युविका करण तेजस्वी जो चिल्ला रहे हैं शो पे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। मुझे ऑलवेज ना आई रियलाइज मुझे अट्रैक्ट लोग कौन करते पता है, जो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है काम को लेके, वो लोग मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कि जो काम की बातें करें, कि आप मेरे साथ अभी बैठ के डिस्कस करोगे ना नॉर्मल चीज़ें तो मैं बोर हो जाऊँगा, लाइक क्या हाँ ठीक है ये हो, बट जैसे ही आप मेरे साथ बिजनेस काम या कॉमेडी डिस्कस करने लगोगे ना, तो आई बी लाइक हाँ तो पता है ऐसे, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि जितने भी ये बिजी लोग हैं ना अपनी अपनी लाइफ में, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे जो भी अच्छे दोस्त हैं ना वो अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी, और बहुत कम दोस्त हैं मेरे, तो मुझे ये अच्छा लगता है उनके बारे में कि यार बंदा काम कर रहा है, बंदा मेहनत कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है, और वो सबको देख के बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि अब ये 4-5 लोग हैं जिनको सक्सेसफुल देख के आप जलोगे नहीं, जमीन से जुड़े हैं, क्यों क्या आप लगते हैं अपने वालों पे जा रहे हैं, बाकी जलन नॉर्मल है, मैं बोलूंगा ही नहीं कि भाई मैं किसी से नहीं जलता, वो इंसान के अंदर है ही, वो बहुत परफेक्ट बनना पड़ेगा आपको, कि आपके अंदर हसद, हसद बोलते हैं उर्दू में, कि आपके अंदर हसद ही नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट तकवा होना ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं हल्की सी जेलेसी जो एकदम कम वाली, वो कहीं ना कहीं आ जाती है, क्या इसको ये मिल गया अपने को नहीं मिला, बट फिर रियलाइज होता कि नहीं नहीं भाई अपने को जो मिल रहा है इसको नहीं मिलता, तो वो फिर वो बैलेंस हो जाता है, तो बहुत सारे लोग आसपास के ऐसे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको देख के बहुत खुशी होती है, दिल से दुआ नहीं करती। तो तेजरन के साथ भी कुछ कर रहे हो कि नहीं, कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो क्या? कुछ कोलैबोरेशन तो कुछ प्लान नहीं है, बट कभी मिलेंगे तो तुरंत अपने प्लान ऐसा भागे भागे बन जाते हैं, तो कभी मिले तो जरूर। बिग बॉस में जा रहे हो? नहीं अभी तो उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया, पता नहीं क्यों, शायद उनको पता है कि पहले ही से पता चलेगा विनर कौन है।
पता नहीं भाई कैमरा सा टच में हो अभी? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारी जो शो पे आपने जो देखा वही, और उसके बाद तो हमारी जो धाकड़ के प्रीमियर पे एक बार मिला था मैं। हाँ, उस प्रीमियर के बाद मैं इंटरव्यू कर रहा था अर्जुन रामपाल और कंगना को। हाँ, तो इंटरव्यू से पहले हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तो अर्जुन को बता रही थी यार ये लड़का है मुनव्वर इतना शार्प है, तो अर्जुन से हाँ यार यू बीन टेलिंग मी अबाउट दिस, आई वांट टू मीट दिस बॉय। तो इतनी प्रशंसा कर रही है तुम्हारी इवन विदाउट बीइंग ऑन कैमरा। यही है ना कि इंसान बहुत सारा लोग क्या होता है ना, लोग आज 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 इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान है किसी को भी, किसी के दिमाग में भी कुछ भी डालना ना बहुत आसान है। इट डिपेंड करता है कि आप अलग से कुछ नरेशन बिठा दो कि लोग सोचे कि ओ ये तो डिफरेंट टेक है इस चीज़ पे, चलो ये फॉलो करता हूँ क्योंकि कोई नहीं कर रहा है तो मुझे चार लोग और देखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है लोग आपको जानते पहचानते नहीं और आपको आपके खिलाफ खड़े हो जाते, परसेप्शन बना लेते ना, बना लेते हैं मेरा नाम प्रोनाउंस ठीक से तू कर नहीं पा रहा, तू बोलता है कि तू मेरे को नहीं पसंद करता। तो मुझे हमेशा ये फील होता है कि जब इंसान बैठेगा ना साथ में, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि तो कोई अगर मेरे को हेट भेजना, आज तक मैं किसी को गाली नहीं दिया, कोई मेरे को हेट कर रहा मैंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू मेरे को जानता नहीं, तू कभी आ तो कभी खाना खा मेरे साथ, तो कभी मेरी प्लेलिस्ट सुन, तो कभी मेरी बातें सुन, तो हम दोस्त मिलके क्या म्यूजिक सुनते और कैसी बकचोदी करते ना तू वो देख, कभी तू परेशान होगा और तू मेरे को तेरी परेशानी बता के देख, मैं तेरे को ऐसे सोल्यूशन दूंगा ना कि तू मेरे को गले लगा लेगा, तो तू ये जानता नहीं ना मेरे बारे में इसलिए तू मेरे को हेट कर रहा है, तो इसमें तेरी गलती नहीं, तू जिस दिन बैठ पाया ना मेरे पास उस दिन तेरा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, मैं हूँ इधर, तू जब आके बैठना चाहता है बैठ, मैं इधर ही हूँ, तो बस उसी चीज़ का इंतज़ार। तो उसका परसेप्शन चाहे मुझे लेके जो भी हो, शो से पहले शो के बाद मेरी पीठ पीछे वो मेरी तारीफ कर रही है, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो गया ना, जीत जीत गए, ट्रॉफी ट्रॉफी ठीक है, ट्रॉफी घर पे पड़ी हुई है। तो मैंने एक क्वेश्चन आया था कि मुनव्वर का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड क्यों नहीं है, क्या इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ओपिनियन स्ट्रांग है इसलिए? मैंने वेरिफिकेशन के लिए डाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक रहता है यार वैलिडेशन ये वो, एक टाइम के बाद आपको हो जाता है कि ठीक है मेरे को पता है मैं क्या हूँ, ठीक है, वो हिसाब से नहीं डाला, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे मैनेजर को पता है सोशल मीडिया को लेकर ना मैं बहुत लेजी हूँ, ठीक है, तो मैं उसको मैं ट्विटर कभी भी ट्विटर पे मैं ट्विटर कभी भी ना ऐसे ऐसे सोशल मीडिया खोलता ही नहीं हूँ, मेरा ट्विटर खोलने से पहले एक ही डायलॉग होता है, देखे जरा ट्विटर पर क्या भसड़ चल रही, ट्विटर पर क्या भसड़ चल रही है ना, ये मेरा पहला डायलॉग है ट्विटर खोलने से पहले कि देखूं ट्विटर पे क्या भसड़ चल रही है, और दो मिनट के बाद मैं बंद करता हूं कि भाई अपने से नहीं होगा, ये फैन फैन पेजेस फैन फॉलोअर वो जो है वो लोग कुछ एडिट वेडिट बनाते हैं या कुछ प्यारा सा मैसेज भेजते तो वो लाइक वाइक कभी कर देता हूं कि यार चलो इतना प्यार से इसने लिखा है, इतनी उससे मेहनत से एडिट किया है तो वो कर देता हूं, बट ट्विटर मैं खाली मेरी इंस्टाग्राम की फीड मेंटेन करने के लिए ट्विटर यूज़ करता हूं, इंस्टाग्राम की फीड देखोगे ना तो दो पोस्ट एक ट्वीट है, दो पोस्ट एक ट्वीट है स्क्रीनशॉट ट्वीट का, वो मेंटेन करने के लिए खाली ट्विटर यूज़ करता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा थॉट आए कि वो भाई क्या फनी जोक है लेकिन भाई बवाल हो जाएगा, ठीक है फनी जोक हटाओ नॉर्मल शायरी लिखते। जाने से पहले क्या चाहते हो जिंदगी से? जिंदगी से जो मैंने आपको बोला व्हाट आई वांट, कभी भी इंसान की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती है, मैंने पहले ही बोला कि इंसान को एक सोने का जंगल दे दोगे ना तो उसका दूसरी ख्वाहिश पता है क्या होगी, दूसरा सोने का जंगल, फिर तीसरा चौथा चौथा रहेगा, सोने का जंगल है तेरे पास बट फिर भी तेरी ख्वाहिश क्या है यार, और एक सोने का जंगल मिल जाए ना, मेरे को मेरे भाईजान बोला करते थे, तो आई रियलाइज की हकीकत है कि ये ख्वाहिश आपकी कभी पूरी नहीं हो सकती, मटीरियलिस्टिक तो मेरी लाइफ में कुछ अचीवमेंट है ही नहीं, बट अभी फिलहाल मुझे ये लगता है कि जो लोग हेट कर रहे हैं ना उनका दिल जीत के जाऊंगा, वो लोग बोलेंगे कि नहीं गलत समझे ठीक है चल कोई बात नहीं तेरी गलती होगी, बट तेरे अंदर टैलेंट है तूने नाम रोशन कर दिया इंडिया का, तो ये कर दूंगा ना तब सुकून हो जाएगा,
फिर भले 30,000 की जॉब कर। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में सुकून मिले भाई। थैंक यू सो मच। कैसे मिले वो तुम्हारे पे है, पर मैं दुआएं करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें हमेशा सुकून मिले। मैं आपकी दुआ और प्रार्थनाओं में हूँ और मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे आपकी दुआ और प्रार्थना में रहना है, अपनी दुआओं और प्रार्थना में याद रखना मेरे को। मेरे हिस्से का जो भसड़ है वो मेरे हिस्से में रहेगी, बट मैं कहीं ना कहीं सुकून लोगों की हंसी में और वो तालियों की गूंज में, मैंने अपने गाने में कहा था कि नफरत के शोर को तब्दील तालियों में कर दूंगा, एक दिन पूरा स्टेडियम भर दूंगा। तो बस वही है इंशाल्लाह। मुनव्वर फरूकी, बाय।